होप यू ऑल आर डूंग इन योर स्टडीज तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ई एस आई सी आर आर बी एंड नॉरसेट की प्रेपरेशन so, जो जो बच्चा इस चैनल पर न्यू है अगर आप इस एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सेवन फिफ्टी क्वेश्चन कितने क्वेश्चन सॉरी फाइव सेवेंटी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं उनमें से अगर आपको चार पाँच क्वेश्चन भी आते हैं तो आपके चार पाँच नंबर जो हैं पक्के हैं पेपर में सो so, आप ये आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और ई एस आई सी का एग्जाम जो होने जा रहा है सेवन जुलाई को उसके लिए हमारे जो बैचेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं दो बैचेज हैं एक है ट्रिपल नाइन का क्रैश कोर्स एक है सेवन डबल नाइन का क्रैश कोर्स ट्रिपल नाइन के कैश कोर्स में आपको मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स प्लस एम सी क्यूज एंड टेस्ट सीरीज और सेवन डबल नाइन के क्रैश कोर्स में आपको मिल रहे हैं एम सी क्यूज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस डाउट क्लासेस इसमें भी होंगी प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस करेंगे पेपर होने से पहले ये दोनों ही क्रैश कोर्सेज लाइव प्लस रिकॉर्डेड है आपको लाइव भी मिलेंगी एंड रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी आप सेवन नाइन सेवन थ्री टू 44089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही इन क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले और अगर आप आर आर बी एंड नॉर्थ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी जो बैच है वो स्टार्ट हो गया है जो कि है टू फोर डबल नाइन का इस बैच में आपको हर एक सब्जेक्ट का बेसिक कराया जाएगा पहले प्लस एनाटमी एंड फिजियोलॉजी कराई जाएगी प्लस ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी होगी एम सी क्यू क्लासेज होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे सब होगा सो ये बैच भी आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं फोर मंथ्स का बैच सो चल हम अपने क्वेश्चन पे देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है 570 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन है हमारे पास अ क्लाइंट अराइव एट इमरजेंसी डिपार्टमेंट हु सफर्ड मल्टीपल इंजरीज फ्रॉम हेड ऑन कार कोलिजन विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट शुड टेक हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ एक्शन सो देखो एक क्लाइंट आया है एमरजेंसी डिपार्टमेंट में उसको मल्टीपल इंजरीज हुई हैं उसका जो हैड है कार में जाके कोलाइड किया मतलब बजा है सो हाइस्ट प्रायोरिटी आप इस टाइम पे किसको दोगे सो so, आपके पास ऑप्शन है अन पीपल

ऑब्स्ट्रक्शन अक्कर हो जाएगी और पेशेंट को बिल्कुल भी सांस नहीं आएगी तो सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी रहने वाली है इज़ अ डेविएटेड ट्रेकिया को देखना ठीक है सो हाइएस्ट प्रायोरिटी हमारी ट्रेकिया की रहने वाली है एबीसी देखते हैं एयरवेली के लिए ट्रेकिया ही सबसे पहले देखेंगे सो so इस ऑब्स्ट्रक्शन को बंद करने के लिए आपको ट्रेकिया को ही देखना पड़ेगा क्लियर सो हेड का कोलिजन हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अ डायबिटिक पेशेंट सडनली कंफ्यूज्ड एंड डायफोरेटिक आएगा यहाँ पे ठीक करके लिख लेना इसको

एप्पल जूस देंगे थोड़ा सा ऐसा क्यों? क्योंकि देखो apple juice से क्या होगा? उसका sugar level increase होगा उसका और increase होने पे को जो 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 हो हो रही है, जो hypoglycemia हो रहा है, है है, रहा रहा ये किसकी तरफ तरफ कर कर रहे हैं? दोनों की इशारा तो उसको खत्म करने के लिए आपको पेशेंट को ग्लूकोज देना पड़ेगा सो so, ये ऑफर करने ठीक पे, रहेगा को क्या बोलोगे टेक मिनिमम ऑयल बिफोर मिनरल ऑयल बिफोर बेड टाइम ईट लो फाइबर डाइट एडमिनिस्टर ऑयल रिटेंशन टू एडीमा यूज प्रिस्क्राइब पेन मेडिकेशन बिफोर अ बावल मूवमेंट सो हेमराइड एक्टिमी के बाद जो रहती है दैट इज़ योर पेन जो है प्रियोरिटी पे बहुत ज्यादा पेशेंट को पेन होती है जब वो बावल मूवमेंट करने जाता है सो so, इस पर पे आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब करोगे पेन मेडिकेशन बिफोर द बावल मूवमेंट सो यहाँ पर जो आपकी प्रियोरिटी रहेगी इज योर ऑप्शन नंबर फोर देखो मिनरल ऑयल आपको नहीं देना पेशेंट को लो फाइबर डाइट भी नहीं देनी और एडमिनिस्टर रिटेन एनीमा तो आपको करना ही नहीं है क्योंकि अंदर जाके वो इन्फ्लामेशन और ब्लीडिंग करा सकता है पेशेंट के हेमरॉइड रिमूव किए हैं अभी आप उसको क्या दोगे पेन मेडिकेशन ही दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी इन द न्यू इज तो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है न्यूबॉर्न में हंड्रेड एम एल थ्री फिफ्टी एम एल फाइव हंड्रेड एम एल वन फिफ्टी एम एल सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन फिफ्टी एम एल जो है टोटल लंग कपैसिटी होती है एक छोटे न्यू बॉन में नेक्स्ट है वॉट इज द हाईएस्ट प्रियोरिटी नीड दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन केयर ऑफ चाइल्ड हु इज हैविंग निमोनिया सो अगर बच्चे को निमोनिया है तो हाइएस्ट प्रियोरिटी नीड क्या रहेगी इस बच्चे के लिए रेस्ट करना रेस्पिरेशन एक्सरसाइज न्यूट्रिशन या फिर ट्राईसाइक्लिक राइडिंग सो देखो अगर बच्चे को निमोनिया है सो तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है बच्चे का रेस्ट कर करना बिकॉज अगर बच्चा रेस्ट करेगा तो क्या होगा उसकी हीलिंग प्रोसेस जल्दी होगी ठीक है उसकी ऑक्सीजन कंज़म्पशन कम होगी रेस्ट करने पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है ना कि ऑक्सीजन कंज़म्पशन जो है बॉडी की वो कम हो जाती है वही बच्चा अगर एक्सरसाइज कर रहा है या फिर राइडिंग कर रहा है न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसकी ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है इंक्रीज हो जाएगी उसकी ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और बच्चे के लंग्स तो पहले ही इन्फेक्टेड हैं पहले ही वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे ऊपर से आप उसे एक्सरसाइज करा के और ज़्यादा वर्क कराओगे तो बच्चे को फिर और प्रॉब्लम आएगी इसलिए हमें रेस्ट कराना होता है बच्चे को नेक्स्ट है उससे पहले अगर कोई भी बच्चा क्रैश कोर्स के बारे में जानना चाहता है तो वो देख सकता है अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ई के दो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं जिसमें आपके टेस्ट हो रहे हैं सो ट्रिपल नाइन का क्रैश कोर्स है एक मेरे पास एक है सेवन डबल नाइन का क्रैश कोर्स जो ट्रिपल नाइन का क्रैश कोर्स है इसमें आपको मिलेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स प्लस एम क्लासेस मिलेंगी टेस्ट सीरीज मिलेंगी एंड डाउट क्लासेज होंगी जो सेवन वाला है इसमें बस ये है कि एम टेस्ट सीरीज

टॉपिक क्लासेस होंगी टेस्ट सीरीज भी होंगी ये ऑल इन वन बैच है फोर मंथ्स का ये बैच है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके चाहे वो एस आई सी के क्रैश को, हो चाहे आर आरबीट का बैच हो सो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं सो so, हम चलते हैं अपने 576 क्वेश्चन पे क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कोल्ड चेन मस्ट बी मेंटेन तो इनमें से कौन सी वैक्सीन में कोल्ड चेन जो है मेंटेन करनी पड़ती है ऑप्शन है हमारे पास टॉक्सॉइड्स लाइव वैक्सीन किल्ड वैक्सीन सीरम सो so, आपको पता है कि इसमें हमें कभी भी लाइव वैक्सीन की कोल्ड चेन को खराब नहीं करना बिकॉज जो लाइव वैक्सीन होती हैं वो लाइव जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम से बनी होती है टॉक्सॉइड्स को कभी अगर फ्रोजन भी कर दिया आपने तो उनको डिस्कार्ड कर दो किल्ड भी और सीरम्स को भी ठीक है सो so, जो राइट right ऑप्शन रहेगा इज योर लाइव वैक्सीन नेक्स्ट है ड्यूरिंग डिलीवरी द कॉर्ड क्लैंपिंग इज डीलेड बाय वन टू थ्री मिनट्स इन न्यूनेट बिकॉज ऑफ सो जब आप कॉर्ड क्लैंपिंग करते हो डिलीवरी के टाइम पे तो वो दो तीन मिनट डिले करते हो क्यों करते हो टू प्रिवेंट एनीमिया इन द वुमेन प्लेसेंटा सेपरेट इजीली नेक्स्ट है प्रिवेंट जॉन्डिस न्यूनेट एंड नेक्स्ट है उससे न्यूनेट गेट कॉर्ड ब्लड सो ऑब्वियसली ताकि बच्चे को है ज्यादा से ज्यादा मदर का ब्लड मिल जाए इसीलिए हम क्या करते हैं डीलेड कॉर्ड क्लैंपिंग इन बच्चों में करते हैं सो ऑप्शन नंबर फोर जो है वो राइट right रहेगा नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विच टाइप ऑफ अडीमा सीन इन द वुमेन तो इन प्रेगनेंसी कौन से टाइप का अडीमा जो है देखने को मिलता है पेरी ऑर्बिटल अडीमा डिपेंडेंट अडीमा अनासाकारा पिटिंग एडीमा सो डिपेंडेंट अडीमा जो है हमें मदर में देखने को मिलता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज नोन एज तो जब सॉरी सर्विक्स सर्विक्स की सॉफ्टनिंग इन द प्रेगनेंसी क्या बोलते हैं गूडल साइन चैडविक साइन पालमर साइन हेगार साइन सो इट इज नोन एज गूडल साइन गुडी गुडी सर्विस लगता है सॉफ्ट सर्विक्स लगता है चैडविक साइन में आपको करवा चुकी हूँ डिस्कलरेशन ऑफ द वजाना फॉर्मिक फॉर्निक्स एंड हैगार साइन एंड पालमर साइन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि कौन सा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल फीचर ऑफ चिकन पॉक्स इंक्लूड तो क्लिनिकल फीचर्स क्या है चिकन पॉक्स के स्किन ऑल ऑफ़ द फीवर या फिर पेन सो so आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि चिकन पॉक्स के कौन कौन से क्लिनिकल फीचर हमें देखने को मिलते हैं सो so जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं बता देती हूँ कि इन एडुकेट इनटेक ऑफ प्रेगनेंट वुमेन कौन से वाइटमिन का इन एडुकेट इनटेक जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करता है बच्चे में सो so इसका आंसर था फॉलिक एसिड फॉलिक एसिड जो है हम बिफोर कंसीव दे देते हैं अगर मदर को पता है वो कंसीव करने जा रही है सो तो उससे पहले हम फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देते हैं और अगर मदर कंसीव नहीं की है उसे तब पता चला जब उसने कंसेप्शन कर ली है तब पहले थ्री मंथ्स हम फॉलिक एसिड मदर को चलाते हैं सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और अगर कोई भी बच्चा ई के एग्ज़ाम के लिए दो क्रैश कोर्सेज ट्रिपल नाइन का क्रैश कोर्स या फिर सेवन डबल नाइन का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो आज ही ज्वाइन कर सकता है ट्रिपल नाइन के क्रैश कोर्स में आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस एम प्लस आपकी टेस्ट सीरीज और जो सेवन का क्रैश कोर्स है उसमें आपको मिलने वाली है एम क्लासेस टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस दोनों ही क्रैश कोर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड है तो आप आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर करके मैसेज ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो मिलती हूं कल की वीडियो में टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड थैंक यू